सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। सतियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक के सातवें अध्याय प्रकृति के विषय में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की पहली कड़ी। ये इस पूरी श्रृंखला का 16वां भाग है। हम बता चुके हैं कि मार्क्सवाद मनुष्यों को और इसलिए मानव समाज को प्रकृति का अंग मानता है। अतः यदि पता लगाना है कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई तो संसार के विकास में ही उसकी खोज करनी होगी। मनुष्य का विकास जीवन के पहले के रूपों में से होता है। उस विकास के दौरान में ही विचार और सचेतन व्यवहार ने जन्म लिया है। इसका अर्थ ये है कि वस्तु अर्थात वो वास्तविकता जो अचेतन है पहले से थी, मन अर्थात वो वास्तविकता जो सचेतन है बाद में आई। साथ ही इसका अर्थ ये भी है कि वस्तु या बाह्य वास्तविकता की सत्ता मन से स्वतंत्र है। प्रकृति की इस समझ को भौतिकवाद कहते हैं। इसकी उल्टी समझ अर्थात ये धारणा कि बाह्य जगत वास्तविक नहीं है, उसका अस्तित्व केवल हमारे मन के भीतर या किसी अलौकिक शक्ति के मन के भीतर है, आदर्शवाद कहलाता है। आदर्शवाद के कई प्रकार हैं, परंतु एक बात वे सभी कहते हैं वो ये कि मूल वास्तविकता मन है, वो चाहे मानव मन हो या अपौरुषेय मन। और वस्तु यदि उसमें वास्तविकता का कोई अंश है तो भी वो गौण है। एंगल्स के शब्दों में मार्क्सवादियों की दृष्टि में भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोण प्रकृति को ठीक उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो सचमुच पाई जाती है। बाह्य जगत वास्तविक है, हमारे भीतर उसकी चेतना है या नहीं इस बात से उसकी सत्ता स्वतंत्र है। उसकी गति और विकास हमारे या किसी और के मन द्वारा संचालित नहीं होते, बल्कि वे ऐसे नियमों द्वारा संचालित होते हैं जिनको मनुष्य जान सकता है और जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी ओर आदर्शवाद चूंकि वस्तु को बाह्य जगत को या तो वास्तविक नहीं मानता या मानता है तो उसकी सत्ता को गौण समझता है, इसलिए उसका ये मत भी है कि वास्तविकता को समझना हमारी बुद्धि से परे है। जगत की रहस्यपूर्ण गति को मानव बुद्धि नहीं समझ सकती। भौतिकवाद बनाम आदर्शवाद, ये बहस हमारे लिए क्यों महत्व रखती है? इसलिए कि ये महज हवाई बहस या ख्याली दुनिया का सवाल नहीं है, वो अंतिम विश्लेषण में हमारे व्यवहार का सवाल, अमली सवाल बन जाता है। मनुष्य बाह्य प्रकृति को सिर्फ देखता ही नहीं, उसे बदलता भी है और उसे बदलने के साथ साथ अपने को भी बदलता है। दूसरे भौतिकवादी दृष्टिकोण का ये अर्थ भी है कि मनुष्यों के मन में जो कुछ होता है, मन में जिसकी भी चेतना होती है, वो बाह्य वास्तविकता होती है, अर्थात विचार मानो वास्तविकता के प्रतिबिंब होते हैं। उनका जन्म बाह्य जगत से ही होता है। पर जाहिर है इसका मतलब ये नहीं है कि सभी विचार सत्य होते हैं या सभी विचारों में वास्तविकता का सही प्रतिबिंब मिलता है। तथ्य ये है कि वास्तविकता का ठोस अनुभव ही बताता है कि विचार सही है या नहीं। आदर्शवादी दूसरी ओर शाश्वत और सनातन सिद्धांतों पर विश्वास करता है और इस बात की परवाह नहीं करता कि इन सिद्धांतों का वास्तविकता से कोई मेल बैठता है या नहीं। आज की दुनिया में इसका एक उदाहरण पूर्ण निराकरणवादी शांति का दृष्टिकोण है। पूर्ण निराकरणवादी शांतिवादी अपने चारों ओर के वास्तविक संसार को नहीं देखता। उसके लिए इस बात का कोई भी महत्व तो नहीं है कि जीवन का अनुभव या वास्तविकता हमें बताती है कि बल प्रयोग अथवा हिंसा का प्रतिरोध न करने पर और अधिक हिंसा, बल प्रयोग, आक्रमण तथा अत्याचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के संपूर्ण निराकरणवादी शांतिवाद का बुनियादी आधार संसार के प्रति आदर्शवादी दृष्टिकोण रखना और बाह्य जगत में अविश्वास रखना ही है। हो सकता है कि ऐसे निराकरणवादी शांतिवादी व्यक्ति को इस बात की चेतना न हो कि उसका दार्शनिक दृष्टिकोण इस प्रकार का है, परंतु इससे हमारी बात की सच्चाई में कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः मार्क्सवाद अपने सभी सिद्धांतों की स्थापना संसार के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण के आधार पर ही करता है। इसी दृष्टिकोण से वो संसार का अध्ययन करता है और संसार का संचालन करने वाले नियमों का और मानव समाज की, चूंकि मनुष्य भी वास्तविकता का अंग है, गति निर्धारित करने वाले नियमों का पता लगाने की कोशिश करता है। और मार्क्सवाद अपनी प्रत्येक खोज को, प्रत्येक निष्कर्ष को ठोस अनुभव की कसौटी पर कसता है और जो निष्कर्ष या स्थापनाएं सच्चाई से मेल नहीं खाती उन्हें त्याग देता है या उनमें आवश्यक परिवर्तन कर देता है।
संसार, जिसमें मानव समाज को भी सदा शामिल समझना चाहिए, उसके प्रति इस दृष्टिकोण की कुछ आम विशेषताएं हैं जिन्हें मनुष्य के दिमाग ने पैदा नहीं किया बल्कि जो वास्तविक है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण तत्वतः एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो वास्तविकता से ही निकला है, वो किसी चतुर विचारक द्वारा आविष्कृत कोई प्रणाली नहीं है। इसी कारण उसकी नजरों में न केवल संसार भौतिकवादी है बल्कि उसमें कुछ और भी गुण हैं जिन्हें द्वंद्वात्मक नाम से पुकारा जा सकता है। संसार की मार्क्सवादी समझ को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहते हैं। आमतौर से समझा जाता है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कोई विचित्र और रहस्यमय चीज है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो वास्तविक संसार का प्रतिबिंब ही है और रोजमर्रा की साधारण चीजों का वर्णन करके जिन्हें हर आदमी जानता है द्वंद्वात्मक शब्द का अर्थ समझाया जा सकता है। पहली बात यह है कि प्रकृति अथवा संसार अथवा मानव समाज पूर्णतः भिन्न और स्वतंत्र वस्तुओं का समूह नहीं होता। ये बात प्रत्येक वैज्ञानिक जानता है और इसलिए किसी वस्तु विशेष का अध्ययन करते समय उससे संबंधित तमाम महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते रखते उसके नाकों दम आ जाता है। पानी पानी है, परंतु यदि उसका तापमान थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो एक निश्चित बिंदु पर पहुंचने के बाद वो भाप बन जाता है। ताप के किस बिंदु पर ये होता है, ये वायुमंडल के दबाव के साथ बदलता रहता है। यदि उसका तापमान कम कर दिया जाए तो वो बर्फ बन जाता है। तरह तरह की दूसरी बातें भी उस पर भारी असर डालती हैं। ये साधारण आदमी भी चीजों को थोड़ा ध्यान पूर्वक देखने पर इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि संसार में कोई भी वस्तु पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती और हर चीज दूसरी चीजों पर निर्भर करती है। सच तो ये है कि विभिन्न वस्तुओं का एक दूसरे पर निर्भर रहना इतनी साधारण और स्पष्ट बात मालूम होती है कि पूछा जा सकता है कि इसकी ओर ध्यान दिलाने की आखिर जरूरत ही क्या है। लेकिन वास्तव में लोग अक्सर इस बात को नहीं देखते, वे इस बात का ध्यान नहीं रखते कि एक प्रकार की परिस्थितियों में जो बात सच है वो हो सकता है दूसरे प्रकार की परिस्थितियों में सच न रहे। लोगों की आदत होती है कि वे एक प्रकार की परिस्थितियों में अपनाए हुए विचारों को बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों पर लागू करने की कोशिश किया करते हैं। उदाहरण के लिए भाषण स्वतंत्रता के दृष्टिकोण को लीजिए। साधारणतः भाषण स्वतंत्रता से जनतंत्र को सहायता मिलती है, लोग घटनाओं के बारे में अपने विचार प्रकट कर पाते हैं और इस प्रकार समाज के विकास में मदद मिलती है। परंतु यदि फासिज्म भाषण स्वतंत्रता चाहता है, वो फासिज्म जो सबसे पहले जनतंत्र की ही हत्या करता है, तो मामले का रूप बदल जाता है। फासिज्म को भाषण स्वतंत्रता देने से समाज का विकास रुकता है और ऐसी हालत में आप भाषण स्वतंत्रता के कितने ही गीत क्यों न गाएं, ये मानना पड़ेगा कि सामान्य परिस्थिति में और जनतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टियों के लिए जो सिद्धांत सत्य है, वो उन फासिस्ट पार्टियों के लिए सत्य नहीं हो सकता जिनका उद्देश्य पहले जनतंत्र को बदनाम करना और अंत में उसे नष्ट कर देना है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का 16वां भाग। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।